बागपत की बेटी ने सीएम योगी से गुहार लगाई कि कहीं मेरे साथ ना उन्नाव जैसा कांड दोहराया जाए, मेरे परिवार को बचा लो सरकार। जी हाँ, बागपत के एक रेप पीड़िता बेटी और उसका परिवार इन दिनों दहशत के साए में जी रहा है और दहशत में है। रेप मामले में पीड़िता की कोर्ट में गवाही से पहले धमकी भरे गुमनाम इश्तिहार दिए गए, जिस पर लिखा गया है कि अगर उसने गवाही दी तो अंजाम उन्नाव कांड से भी भयंकर होगा और उसे बकायदा उनके मकान के दरवाजे पे चस्पा दिया गया। दरअसल मामला कोतवाली बड़ोद क्षेत्र के बिजरोल गांव का है, जहां की रहने वाली एक युवती दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कोचिंग करती थी। युवती का आरोप है कि करीब एक साल पूर्व युवती के साथ गांव के ही सोहरान नाम के लड़के ने एग्जाम के नोट्स देने का बहाना कर अपने दोस्त के रूम पर ले जाकर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसकी वीडियो बना ली। इतना ही नहीं, इस वीडियो के आधार पर युवक ने कई बार उसके साथ रेप किया, जिसका मुकदमा दिल्ली में मुखर्जी थाने में दर्ज है और 13 दिसंबर को रेप के मामले में दिल्ली की रोहिणी के कोर्ट में युवती की गवाही होनी है। लेकिन इस गवाही से पहले ही पीड़िता और उसका परिवार दहशत में है, क्योंकि किसी ने उसके मकान के दरवाजे पर एक पोस्टर चपसा दिया है जिस पर लिखा है कि अगर 13 दिसंबर को कोर्ट में गवाही दी तो अंजाम बुरा होगा, वो अंजाम उन्नाव कांड से भी बुरा होगा। वहीं पीड़िता ने सीएम योगी से सुरक्षा की मांग की है और कहा कि उसके परिवार की सुरक्षा की जाए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस पीड़िता के घर पहुंची। उधर पुलिस अधिकारी के मुताबिक मुकदमा दिल्ली में दर्ज है, जिसमें युवती की गवाही होनी है, लेकिन एक धमकी का पोस्टर जो चपसपा मिला है यह गंभीर मामला है, जिसके बाद पीड़िता के घर सुरक्षा तैनात करने की बात कह रहे हैं। सर, मैं दिल्ली में SSC की कोचिंग लेने के गई थी। वहाँ पर मेरे गांव का लड़का जिसका नाम सोरन है, उसे मैं गांव से ही जानती थी, तो वो वहाँ पे पहुँच गया था दिल्ली अपने दोस्तों के पास। तो वहाँ से मुझसे मेरी बातचीत होने लगी, गांव से जानती थी इस वजह से। मेरा LDC का पेपर था 27 मार्च 2018 में। उन्होंने बोला कि हमारे पास नोट्स रखे हैं तेरे पेपर के, चल तो हम तुझे उसे दे देंगे। तो मैं जानती थी तो इस वजह से मैं उसके साथ चले गए। उन्होंने वहाँ उसने गौरव और गोरन सनोप देवेंद्र सिंह और सोरन दोनों साथ आए थे कोचिंग सेंटर के बारे में बाहर। मैं उनके साथ उनके रूम पे चली गई थी। वहाँ जाके उसने मुझे पेप्सी पिलाई, मतलब कि हम तीनों ने साथ मिल के पी थी, सोरन लेके आया था। वहाँ उसके बाद में बेहोश हो गई, उसने मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया और मेरी वीडियो भी बना ली। अब क्या हुआ तुम्हारे मकान पे, क्या चिपका मिला, क्या पूरा? अब सर, मेरी 13 दिसंबर 2019 में गवाही है। उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं गवाही देने गई तो उन्नाव जैसा कांड हो सकता है, तो ये धमकी पे धमकी दे रहे हैं। हाँ जी, क्या मांग करते हैं सीएम से? सर, मैं ये मांग करती हूँ कि मेरे साथ प्रॉपर न्याय हो, मैं चाहती हूँ कि सख्त से सख्त सजा मिले और हमें, हम मेरे पूरे परिवार को और हमें सुरक्षा मिले। किससे मांग करती हैं आप? सीएम योगी आदित्यनाथ जी से। क्या दहशत है कि उन्नाव कांड ना दोहराया जाए? जी। क्या दहशत है? कि मतलब कि मेरे परिवार वालों को किसी को खतरा ना हो, ना मुझे, हमें प्रॉपर सुरक्षा मिले और उसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी भाई, आपके मकान पे क्या चिपका मिला? हमारे मकान पे चिपका मिला जी, हमारे लड़के का केस चल रहा है रोहिणी कोर्ट में, दिल्ली मुखर्जी नगर का केस है। तो इसकी 13 तारीख में गवाही है। तो हमारे मकान पे सुबह, मैं तो दिल्ली पे था ड्यूटी कर, DTC में हूँ मैं, तो मुझे घर वालों ने बताया कि हमारे मकान पे यहाँ पे गेट पे लिख कर लगा दिया कि अगर 13 तारीख में शिवानी को कोर्ट में लेकर पहुँचे तो अंजाम बहुत बुरा होगा, उन्नाव कांड जैसा भी हो सकता है। घटना क्या हुई थी, कौन लोग थे, ये बताओ थोड़ा सा। नहीं मतलब ये जो किसने लगाया जी, इसके बारे में तो क्या घटना हुई थी आपके वहाँ पे? वहाँ पर रेप केस हो जाता जी लड़के के साथ में, 370-328 का केस है। अच्छा, इसमें अब 13 तारीख में क्या सुनवाई है, क्या है? इसमें गवाही है जी लड़की की। अच्छा, लड़की गवाही। हाँ जी। तो आपको कोई दहशत है? हाँ जी, दहशत है। हम तो एक बार पहले भी, मतलब इन्होंने, वो पहली डेट थी 30 जुलाई की, तो उसमें भी जैसे लड़की का पेपर था 1 तारीख में 5वें महीने की शाम की मीटिंग थी डिग्री कॉलेज में, था जाट कॉलेज में बड़ौत में, तो वहाँ पर भी ये खुद एक लड़का है जो मैन आरोपी है सोरन, तो वहाँ पर वो भी गोली मारने की धमकी देकर गया था। तो इस वजह से वह मतलब डर रही थी, हमें पहले दिन सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट करवानी पड़ी इमरजेंसी में। थाने गए थे आप लोग? नहीं, अब थाने गए थे क्या आप उसके बाद? आज सुबह थाने गए थे जी इसकी सूचना देने के लिए। तो थाने वालों ने बोल दिया कि चलो घर पर ही आ रहे हैं, तो जी फिर घर पर, दिन में तो घर पर आए नहीं। अच्छा। हाँ जी।
तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं जी, मतलब इसकी मतलब सही तरीके से कुछ इसकी जांच हो गया और हमें न्याय मिले इसका, जो आरोपी अभी पकड़े जाए किसने ये लगाया। हम तो दहशत में इसकी। लड़की पढ़ती है? लड़की फिलहाल नहीं पढ़ रही जी, अब इसकी बीए फाइनल होगी जी आपकी बारी। ठीक है। ये थाना बड़ौद के अंतर्गत एक गांव बिजरोल है, जहां से सूचना प्राप्त हुई है कि एक रेप पीड़िता के घर पर ये पंपलेट लगाया गया है, ये चस्पा किया गया है हाथ से कि अगर तुमने गवाही दिया तो तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो उन्नाव केस में हुआ है। उसमें टीम भेज करके पता किया गया, ये मामला जुलाई 2018 में पंजीकृत हुआ था दिल्ली में। उसमें जो विक्टिम हैं और एक्यूज्ड हैं वो दोनों उसी गांव के रहने वाले हैं और एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। 2018 में उस लड़की के साथ गलत कार्य हुआ था जिसमें वहाँ मुकदमा पंजीकृत हुआ था मुखर्जी नगर थाने में। उसमें एक व्यक्ति को जो सोरण है, सोरण नाम का उसी गांव बिजरोल का रहने वाला, उसको जेल भी भेजा था पुलिस ने, फिर उसको बेल हो गई थी जिसकी वजह से वो आज के डेट में गाँव पर रहता है। जो पीड़िता हैं उनके पिता गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में, कल रात को ही वो लोग लौटे हैं और उनके द्वारा ये लिखित में सूचना दी गई है थाने पे कि उनके घर पे किसी ने इस तरह से लिख करके चिपकाया है, जिसमें तुरंत संज्ञान लिया गया और मुकदमा पंजीकृत करके जिस व्यक्ति पे शक था, जो इसमें एक्यूज था सोरण, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको जेल भेजा जा रहा है और बाकी जो लड़की है उसको सुरक्षा प्रोवाइड किया जा रही है पुलिस की तरफ से। बाकी वहाँ पर शांति व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।